अभी मैं रीवा जिले के अधीन संवादपुर बिजली विभाग के पास हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से आपने पिछले वीडियो में देखा था, पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी पूरी तरह से हड़ताल पर हैं और कहीं उसका नतीजा यह निकल रहा है कि आप देख सकते हैं चारों तरफ दृश्य है। आप मैं चाहूँगा चाहते दिखाने का प्रयास करिएगा एक अलग ये अनोखे अंदाज में यहाँ पर हड़ताल का पूरा रूप जो कहीं ना कहीं इसी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के अनेकों जिलों में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं इन सब लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इन सब रूप को लेने से आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा और आखिर मध्य प्रदेश में कितना आज तीसरे दिन क्या स्थितियां गुजरी हैं और आखिर कैसा निर्मित है बिजली का तंत्र। यहां पर देख सकते हैं काफी लोग हैं। सर, जिस तरीके से आज तीसरा दिन है आप लोग के हड़ताल का और संगीत का भी माध्यम लिया गया, तो इसका सर क्या उद्देश्य रहेगा जो शासन स्तर तक पहुँचेगा? शासन स्तर के अभी कान बंद है, शासन स्तर को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। काम प्रभावित होगा, अब उनको समझ में आएगा कि क्या है संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी की जो सो भर पोषण बिल्कुल ये लोग लूट मोट करे हुए हैं, किसी का कोई सुना नहीं जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि ये आज का कदम क्या उठता है। यही हमारे लोग ऐसे ही जुटे रहेंगे, हम और भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे होकर कार बहिष्कार करते रहेंगे। क्या नाम है सर? मैं राकेश सनोड़िया, सहायक अभियंता, संविदा ग्रुप में है। संविदा सर, जिस तरीके से लगातार तीसरा दिन है, अभी तक में क्षेत्र की जो बिजली व्यवस्था है इस पर क्या प्रभाव, कुछ ऐसा कुछ सूचना मिल रही है आपको? बिजली व्यवस्था ढप पड़ी हुई है, जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो सभी जानते हैं कि वो इतने सक्षम नहीं है कि पोल पे चढ़ पाए। अभी देख रहे हैं कि न्यू भर्ती हो रही है, किसी कोई सीढ़ी से गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो ऐसे में कार्य इनका नहीं चल पाएगा। आगामी एक से दो दिन अगर ये अपनी नहीं सुनते हैं तो अंधकार छा जाएगा। तो सर, अभी तक तीन दिन कैसे बिजली सुचारू रूप से चल रही है? क्या 24 घंटे करना पड़ रहा है उन्हें या फिर नए कर्मचारी की भर्ती हो चुकी है? कर्मचारियों की ये कंडीशन हो गई है कि 24 घंटा वो एक एक सब स्टेशन में एक एक कर्मचारी ड्यूटी कर रहा है। वो लोग भी त्रस्त हो गए, उन लोग की तरफ से भी आवेदन निकल रहे हैं कि हम सर 24 घंटे नहीं कर सकते, शासन के खिलाफ चले जाएंगे। 24 घंटे शासन ही बोलते 24 घंटे ज़्यादा कार्य नहीं कराया जा सकता है, किसी भी अनिश्चितकालीन के लिए ऐसा कार्य नहीं कराया जा सकता, किसी भी रेगुलर एम्प्लॉय चाहे कोई भी रहे कि 24 घंटे से ज़्यादा इस कार्य नहीं कराया जा सकता है। वो लोग भी अब बिल्कुल त्रस्त हो गए उस चीज़ से कि सर हम 24 घंटे से कार्य नहीं कर पाएंगे। और इसमें अब आगामी ये भी आ रहा है कि यूनाइटेड फोरम ने भी अपना समर्थन किया है कि कल से हम लोग भी आपके साथ में रहेंगे। ये देखिए, इसमें अब कल से रेगुलर कर्मचारी जो बेचारे अभी दो दिन से अपन लोग यहाँ बैठे लेकिन वो कार्य कर रहे थे अपने साथ नहीं थे, कल से वो लोग भी रहेंगे, कल से पूरी बिजली व्यवस्था ठप होने की आशंका है। तो देखिए, एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अभी तक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी ही साथ में थे, जहां तक लगातार डराया धमकाया गया, लेकिन 24 घंटे लगातार ड्यूटी करने का नतीजा यह निकला कि अब वो लोग भी हड़ताल पर कर आने वाले हैं और इसके साथ की स्थितियां यह हो जाएगी मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट होना पूरी तरह से तय है। बाकी देख सकते हैं बाकी सर भी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार तीन दिन से अनशन चल रहा है, तो क्या पूरे मध्य प्रदेश की स्थितियाँ ऐसी ही हैं? मध्य प्रदेश के 52 जिलों की स्थिति ऐसी है, सब जगह बहुत जगह ऐसे सुनने में आ रहा है कि जैसे काम कराने के लिए ठेकेदार के आदमी ले लिए गए, उनके द्वारा ठेकेदार के आदमी ले लिए गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, हमारे अभी दो साथियों की मृत्यु भी हो गई। अच्छा, ठेकेदार का काम करने उनको चूँकि एक्सपीरियंस तो है नहीं, लाइन बंद कर दिया, आदमी चढ़ा दिया, गिर के मर गया। पृथ्वीपुर की घटना हुई अभी थोड़ी देर पहले, मऊगंज में भी एक घटना हुई थी कल, ये ठेकेदार के आदमी से काम कराया गया और उनके द्वारा करंट लगने से नीचे गिर गया। अच्छा। बहुत मुश्किल से उसकी जान बची है, हॉस्पिटलाइज है वो। अब नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक मऊगंज की घटना आई हमारे नॉलेज में और एक पृथ्वीपुर की घटना जिसमें एक हमारा आउटसोर्स कर्मचारी शहीद हो गया। तो चलिए, मैं बात करूं, यह वह वर्ग है जो पूरे बिजली तंत्र का जो क्षेत्रीय एक होता है, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, यानी इंजीनियर का कैटेगरी में लोग आ रहे हैं, यानी सहायक अभियंता है। और आज स्थितियां यह है कि लगातार तीसरे दिन भी ये लोग अनशन में हैं और अनोखे अंदाज में हैं। शायद हो सकता है कि शासन की बुद्धि खुल जाए ऐसा सुंदर कांड करवाने से। और ऐसी न्यूज आ रही है कि जो रेगुलर कर्मचारी 24 घंटे से ऊपर कार्य कर रहे हैं जी, उनके द्वारा भी लिखित में आवेदन दिया गया नरसिंहपुर में, मंडला में, कि अब हमारी शक्ति जवाब दे रही है 24 घंटा से लगातार काम जाने का, उनके ऊपर मानसिक दबाव, ऐसा कोई घटना न हो जाए जिसके कारण हमारे काम करने में हमारी मानसिक क्षति हो, तो उनके द्वारा भी अब आवेदन दिया जाएगा। अगर इनका निराकरण नहीं किया तो 24 तारीख से उन लोग भी धरने पर बैठेंगे। सर, मैं जानना चाहूँ, जिस तरीके से लगातार 24 घंटे नियमित कर्मचारियों को कार्य करना पड़ रहा है, क्या ये मानवाधिकार के जो एक्ट है क्या उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है? बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है। एक नियमित कर्मचारी, जिनकी अब हमारे जितने भी नियमित कर्मचारी उनकी एज भी हो चुकी है और वो लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना और अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करके काम कर रहे हैं। तो मेरा इतना ही शासन प्रशासन और कंपनी से निवेदन है कि तत्काल इस मामले में संज्ञान ले
क्योंकि जहां हमारे कर्मचारी पर का हेल्थ पर असर हो रहा है, वहां उपभोक्ताओं के भी लगातार फोन हम लोग पास आ रहे हैं कि हर जगह की कहीं बिजली प्रभावित है और हम लोग चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए पहल की जाए। तो चलिए, देख सकते हैं स्थितियां बड़ी वैसे दैनिक होती जा रही है, धीरे धीरे लगभग 72 घंटे होने को हो रहे हैं और 72 घंटे की स्थितियां कहीं न कहीं से पूरी तरह से ठप होने की आशंका कहीं पूरी तरह जताई जा रही है। कहीं न कहीं से जिस तरीके से कई जगह में शिवराज सिंह चौहान जी के, जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, उनके द्वारा कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो त्रासदी आने वाली है उसका कहीं न कहीं से नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये लगभग पूरे मध्य प्रदेश के लिए काला दिन हो सकता है। बाकी यहाँ भी सर, ये सब संगीत करवाने से शासन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये सद्बुद्धि खुलेगी शासन की, हम तो ये सोच रहे हैं सद्बुद्धि खुल जाए। और दूसरी चीज, पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सिंधा टीवी न्यूज़ से कि आप हमारे पास पहुँचे और हमारी सरकार आपके तहत से पहुँचे सरकार के कानों तक ये आवाज़। सर, ये ऐसे पूरे जिलों में ऐसे सुंदर कांड हो रहा है? हाँ, 52 जिलों में। आगामी रणनीति, अगर सुंदर कांड के बाद भी सद्बुद्धि नहीं खुलती है तो आगामी रणनीति क्या होगी? अमरा अनशन की तैयारी है हमारे। जी जी, 52 जिलों में हम लोग अमरा अनशन करेंगे। अभी शासन की किसी तरह से निगाहें नहीं गई आप तक? नहीं, अभी तो दबाव बन रहा है कि आपको हम सस्पेंड कर देंगे, चेतावनी दी जा रही कंपनियों द्वारा लगातार। हमारे सब भाई आउटसोर्स के और मीटर रीडर एक तरफ से सब लगे हुए हैं, जी जान से। हमारे कुछ मीटर रीडर भी हैं जो परेशान है, ब्लैक लिस्टेड किया गया उनको। ये बहुत बड़ा, ये देखिए, मध्य प्रदेश को लगातार समृद्ध प्रदेश माना जाता रहे, लगातार विकास के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से हिटलर शाही हो गई है। कोई आज के परिवेश में कोई अपने अधिकार की बात अगर करे तो उसको उखाड़ कर फेंक देने की लगातार धमकियां। अगर कोई अगर समस्या है, उस समस्या का समाधान करने में पूरी तरह से शासन स्तर पर बैठे हुए लोग असक्षम हो रहे हैं। 24 घंटे लगातार कार्य लिया जा रहा है, इस पर लगातार मानवाधिकार भी सोया हुआ बैठा है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बाकी तस्वीरें, यहाँ पर देखेंगे लगातार तीसरा दिन है, उधर खिचड़ी और कुछ व्यवस्थाएं खाने के रूप में देखा जा रहा है। सर, खाने में क्या बन रहा है आज? खाने में आज कढ़ी चावल है। देसी भोजन? देसी भोजन। चलिए, देसी भोजन, देसी लोग और देसी मांगे, इसके बावजूद ही पूरी तरह से हिटलर शाही, आखिर कैसे एंट्री है हिटलर शाही की, ये कहीं कहीं बड़ी गंभीर सवाल है। बाकी देखेंगे लगातार ये पूरे इस तरीके का जो दृश्य है मध्य प्रदेश में देखा सकता है। उपभोक्ताओं के आसपास काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, काफ़ी लोग के लगातार मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि आखिर ग्रामीणों की समस्याएं कौन बताएगा, ग्रामीणों की समस्याएं कौन दिखाएगा। तो मैं आखिर इनकी भी तो पीड़ाएं हैं कुछ, इनकी भी पीड़ाएं आपको समझना चाहिए। हाँ, जरूर ये है कि ग्रामीण में अंचलों में बिजली पूरी तरह से प्रभावित होने की कगार पर है, फिर भी अभी लगभग 72 घंटे होने को हो रहे हैं, लेकिन 72 घंटे बाद पूरी तरह से ब्लैकआउट होने की संभावना नजर आ रही है। बाकी आप देखेंगे कई संगठनों ने मिल करके इतना बड़ा आयोजन, पूरे मध्य प्रदेश का आयोजन, लगभग कहीं न कहीं से ये इतिहास का पहला ऐसा अनशन होगा जहाँ पर कहीं न कहीं से बिजली विभाग के लिए पूरी तरह से शासन सोई हुई नजर आ रही है। बाकी यहाँ पर विपक्ष और पक्ष किसी का भी सकारात्मक कदम अभी फिलहाल नहीं आया है, केवल अगर मिला है तो आश्वासन और निवेदन मिला है। चलिए, इन तस्वीरों को लगाकर आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताना भूलेगा। इसी साथ देख रहे हैं टीवी, मैं राजेश सवाल, जय हिंद।